नमस्ते, मैं करुणा धनंजय मुंडे। जैसा कि आप लोग सब देख रहे हैं तो मुख्यमंत्री साहब से मैं मिलने आई थी, उनको सदीक्षा भेंट देने आई थी, क्योंकि बहुत एक तरफा काम करा है, मेरा सपना पूरा करा है उन्होंने ये सरकार बदल के, तो बहुत खुश हूँ मैं ये जो सरकार बदली है। और एकनाथ शिंदे जी से मुझे पूरी न्याय की उम्मीद है। जैसा कि सब लोग देख रहे हैं, पहले मुझे 16 दिन के लिए जेल में डाला गया, अभी मुझे 41 दिन के लिए जेल में डाला गया, तो एकनाथ शिंदे जी से मुझे पूरी पूरी न्याय की उम्मीद है और 1001% मुझे विश्वास है कि एकनाथ शिंदे जी मुझे न्याय जरूर देंगे। मैंने सदीक्षा भेंट दी है उनको और मैंने उनको यही मेरी जो प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में भी बताया है। और जैसा कि मतलब अभी तक मेरे ऊपर जितना एक प्रेशर दिया जा रहा है, मुझे ऐसे उकसाया जा रहा है कि मतलब मैं खुद आत्महत्या कर लूँ या मेरे बच्चे आत्महत्या कर लें, इन सब चीज़ों के लिए हम लोगों को उकसाया जा रहा है, जैसे कि मेरी माँ ने कर ली थी। तो ये सब चीज़ों से मैं डरने वाली नहीं हूँ और मेरी माँ ने जो करा था वो मैं कभी नहीं करने वाली हूँ, और मैं लड़ूंगी, लड़ती रहूँगी। और आज एकनाथ शिंदे जी की सरकार आई है तो मुझे पूरा विश्वास है कि मुझे न्याय मिलेगा। मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा? मुख्यमंत्री जी ने मुझे आश्वासन दिया है कि 100% हम, और सबसे बड़ी बात तो कि जो मेरे पे दो झूठे एट्रोसिटी केस करे गए हैं तो उसकी क्वेश्चन के लिए भी मैंने बात की, तो उन्होंने बोला 100% हम बात करेंगे। किस तरह का प्रेशर आप पे इस वक्त बना हुआ है, किस तरह की धमकियां? देखिए, हर तरीके की धमकियां आ रही हैं मुझे। पहले मुझे 50 करोड़ की ऑफर दी गई थी कि मैं इंडिया छोड़ दूं, 50 करोड़ मिलेंगे। उसके बाद मुझ पे झूठा एट्रोसिटी केस किया गया, उसके बाद वापस से झूठा एट्रोसिटी केस किया गया। उत्तर कोल्हापुर में मैं खड़ी थी तो मेरे ऊपर हमला किया गया। और मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, और अभी जो मुझे अलग अलग धमकियां आ रही हैं कि मेरे वीडियो बनाए जा रहे हैं, एडिटिंग चल रही है, ये चल रही है, मैं बोलती हूँ जिसकी जो ताकत है वो कर ले। और धनंजय मुंडे, मैं एक ही बात बोलूंगी, यदि तू एक बाप की औलाद है तो तू मुझे बीड़ जिला परिषद में हरा के बता, मेरे जो 60 उम्मीदवार में खड़े करने वाली हूँ उनके सामने मुझे हरा के बता। बाकी ऐसे से नथ में से वार करेगा ना, तो नथ में से वार करना मेरे को तो बिल्कुल नहीं आता, क्योंकि मैं एक मर्द हूँ, औरत के रूप में भी मैं एक मर्द हूँ। बस मैं इतना ही कहूँगी।